lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद आप सब बखैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं जी। और आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों से व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैं फ्राइडे के दिन मैं बना ली थी बहुत ही स्पेशल डिनर, तो उसकी रेसिपीज़ तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ मैं क्या क्या बनाई थी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी जी। तो यहाँ बस मैं अभी ये बना रही हूँ ये डिशेस की मेन्यू लिस्ट कि क्या क्या मुझे बनाना है। और ये मैं क्यों बनाई थी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। मटर पुलाव, यस। और क्या बनाना है, खैर मैंगो तो मैं बाहर से लेकर आ जाऊंगी। और इतने दिनों से मेरे व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ थी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, तो कहीं गए नहीं थे, तो बस इस वजह से मतलब थोड़ा लेट मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे क्या क्या बनाना है, मैंगो पापड़ हो गया, और क्या सैलेड, रायता, और क्या, अच्छा जी, और एक लास्ट स्वीट में मैं ये राइस खीर बना लूँगी। वाह ये हो गया मेरा। और आज है जी थर्सडे, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन, ठीक है। और इन सब जितने भी ये डिशेस मैं मतलब अपना प्रिपेयर कर रही हूँ मतलब लिस्ट, तो इसको अब अमली जामा पहनाते हैं फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो चलते हैं फ्राइडे के दिन मिलते हैं। ये बन गए मेरी लिस्ट, बिल्कुल वेजिटेरियन फ्रेंड है इसके लिए मतलब ये मैं पूरे मतलब वेज आइटम ही बनाऊंगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय। अच्छा जी, और मैं अपने व्यूवर से एक जरूर टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप लोग के घर कोई गेस्ट आए या फिर फेस्टिव सीज़न हो, कुछ भी आप लोगों को बनाना हो, तो ऐसा मतलब ये प्लान कर ले, लिस्ट बना लें, 8-10 दिन पहले ही बना सकते हैं, ताकि 2-3 दिन पहले आप उनको कुछ भी कमी बेशी करना हो तो वो आप कर सकें, या फिर मतलब फेस्टिव सीज़न हो तो भी आप कर सकते हैं। और ये तो मैं 10 दिन पहले मतलब बनाई थी ऐसा कि हाँ हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है, तो लेकिन एक दिन पहले मैं ये डिसाइड करी कि ये मतलब लिस्ट बनाई। खैर मैं पहले से ही सोच के रखी थी कि मुझे ये चीज़ ही बनानी है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। 8-10 दिन पहले प्रिपेयर कर लें, मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, और जिस दिन बनाना रहेगा उस दिन तो फिज़िकली प्रिपेयर होना ही होना है, तो मतलब काम में आसानी हो जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा उसी दिन कि अरे यार क्या बनाऊँ क्या बनाओ, तो ऐसा मतलब 8-10 दिन पहले आप लोग ऐसा चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय। और यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं बनाई थी अपना डिनर मेन्यू वैसा मैं ये रेडी कर ली हूँ। मटर पनीर, दाल फ्राई, अभी हरा धनिया वगैरह मैं गार्निश करूंगी। अरे ये क्या, खीर, खैरत पाबलो खा ली क्या खीर? अच्छा जी, इसको मैं रखी हूँ फ्रिज में निकाल के। और यहाँ मैं पालक पूरी के लिए ये आटा गूंद के रख ली हूँ। और यहाँ बन गया जी मटर पुलाव, माशाल्लाह से घी राइस है ये, वाओ। और हर एक चीज़ का मतलब जो भी मैं अभी डिशेज बता रही हूँ तो सबके वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर ले। और ये है जी छोला, तो ये प्रेशर निकलने का है, तो इसके लिए मतलब अभी मैं नहीं दिखा सकती, टेबल पर मैं दिखाऊँगी, ठीक है जी। तो चलें, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग जरूर चेकआउट करें। और यहाँ जो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी फ्रिज में मैं रख दी हूँ खीर, ज़बरदस्त। और यहाँ बन गया मेरा ये रायता, वाओ माशाल्लाह। तो चलें जी, देखते हैं कब आते हैं मेरे गेस्ट, और जब तक तो मैं पूरी वगैरह फ्राई कर लेती हूँ और मतलब डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ जो पालक पूरी की तैयारी हो रही है, ये देखें कैसे फुले फुले ज़बरदस्त बने हैं, और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है जी, तो ज़रूर चेकआउट करें। तो फटाफट से मैं ये पालक पूरी भी फ्राई कर लेती हूँ और फिर फटाफट रेडी होती हूँ। और यहाँ मैं निकाल लूँ ये अपना ड्रेस,
बहुत ही अच्छा कॉटन का है। और ये है दुपट्टा, वाओ। और यहाँ इस पर वर्क है। बच्चे रेडी हो गए हैं तो फटाफट से मैं भी रेडी हो जाती हूँ। वेरी गुड, अच्छी है ना खुशबू? हाँ, अच्छी आ रही है। बस बस रे बाबा, बस बस चलें, जब भी फटाफट रेडी हो जाते हैं। मेकअप टाइम। खुदा सो गई? हाँ। रेडी हो गए ना आप लोग अच्छे से? हाँ। चलो रेडी हो जाती हूँ। गेम खेलना है ना? हाँ। कौन सा? कैंडल वाला? कैंडल वाला मम्मा? हाँ। गोल्डन ब्यूटी बन गई हम। खैर हाँ। ये तो खैर चल गए। चलिए क्रीम पाउडर भी हो गया। हाँ वो तो अल्लाह तोबा, इसमें लकड़ी कौन डाला? ये देखो, ये खैरत की कारस्तानी है, ठीक है? जो खैरत है ना वही करती है सब। हाँ है ना? नॉटी गर्ल है खैरत। हेलो दीदी। हाय। हेलो आंटी। गेस्ट आ गए थे मेरे, और ये है जी मेरे टेबल की फाइनल लुक। और दाल फ्राई भी मैं बनाई थी, बस ये कि मैं लिस्ट में मेंशन करना भूल गई थी, तो मैं सोची दो मसाले वगैरह सब्जी है मसाले की, तो मैं थोड़ा एक हल्का सा बना लूँ। और ये जी मेरी हरियाणा वाली फ्रेंड है, तो उनकी मदर इन लॉ आए थे, तो उनको हम लोग डिनर पर इन्वाइट करे थे, तो इस लिए मतलब मैं ये डिनर का पूरा एहतमाम करी थी। और मैं पालक पूरी पहले ही बना ली थी, ताकि मुझे गेस्ट भी अटेंड करना था, तो मैं सोची पहले मैं किचन से फारिग हो जाऊं, ताकि वो लोग को भी मैं अच्छा टाइम दूं। और यहाँ जो ब्लो द कैंडल चैलेंज चल रहा था, तो वो इन्जॉय करें। लेट्स एन्जॉय। अभी स्टार्ट हो रहा है ना? पहले हुदा करेगी, फिर कीरत करके, फिर मैं, फिर ये, फिर मैं, फिर आंटी, फिर मम्मी, फिर हमारी दादी। हाँ, पहले आप लोग कर लो, ठीक है? अरे खुदा खुदा करेगी, पहले खुदा करो। ये वाला सही कर दी, ये वाला टोटल 11 कैंडल्स ऊपर। नहीं नहीं, वो तो जला है, सही है। तो क्या करूँ? टोटल 11 कैंडल्स है। नहीं, ये कैसे ऊपर नीचे है ना, थोड़ा सा ऐसा। हाँ हाँ, वो चलो स्टार्ट कर दे। हाँ, पहले खैरत हुदा से। चलो ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते। 1 1 2 3 स्टार्ट। 22। अच्छा चलो, वो भी दीदी, वो भी ये जला दीजिए। अभी खैरत का नंबर है। अच्छा यहाँ वाइट वाइट है ना, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में सही से आ नहीं रहा है। हाँ अभी सही आ रहा है। अच्छा बेबी की टर्न है। अरे वाह वाह, वेरी गुड बेबी। 10 पूरा करना है वो। हाँ अभी आपका नंबर आता है। अभी आंटी ये अच्छे से करते ना बेबी। अब तुम्हें नहीं करना, ठीक है? बेबी का सही से मैं लीव ही नहीं मारती फिर से। हाँ अभी ये सही आ रहा। खैरत ये चेयर हटा देती है ना। चलो डिनर हो गया हम लोग का। चलो अब युक्ति का नंबर है। अभी नहीं, अभी फर्स्ट राउंड में सब 1 by 1 करेंगे ना। हाँ हाँ मम्मा मैं भी। चलो एक मिनट युक्ति, एक मिनट। हाँ चलो स्टार्ट युक्ति। थोड़ा सा नजदीक कर देते क्या अभी? चलो कोई बात नहीं। सब करना, सब करना, सब करना। चलो अभी है बिफ्रा की टर्न। चलो मैं कुछ कर ही नहीं। अच्छा बेबी करने लग गई। बेबी बेबी हाँ हाँ करना करना करना। थाम बस, थाम बस। मेरा टर्न हो तो गया।
बेबी अभी नहीं है ना, अभी इफ्रा का है ना। चलो इफ्रा की टर्न है। हाँ सॉरी। अरे दो बच गया। दो बच गया मम्मो। एक राउंड, दूसरा राउंड ना। हाँ फर्स्ट राउंड तो फिनिश। फर्स्ट राउंड में कोई नहीं हुआ है। इफ्रा इफ्रा विनर फर्स्ट राउंड में। सेकंड कौन आया? नहीं मतलब दो सिर्फ बचे ना, इस बेस पे मैं बोल रही हूँ। ठीक है हाँ, बट ये दूसरी बार किया है ना इसने? नहीं नहीं फर्स्ट टाइम करी ना मम्मो। हाँ हुदा से शुरू करे थे ना। चलो अभी सेकंड राउंड करते, ठीक है? अभी मम्मी की बारी है, टर्न है। ठीक है करिए। 1 2 3 go। फाइव है बस। नहीं मम्मा चीटिंग नहीं। तो अभी आप स्टार्ट करिएगा, ठीक है? 1 2 3 go। बस फोर हुआ। चल अब आया चीफ गेस्ट का नंबर। चलिए आंटी। माँ बस फूल काटना है। 1 2 3 go। अरे वाह क्या बात है, सिर्फ एक रह गया बस। नहीं हाँ आंटी विनर। हाँ एक ही बार में गया। चले जी हम लोग में आंटी विनर है। हाँ अब सेकेंड राउंड। मम्मी की बारी। 1 2 3 start। कितना हुआ? वाव बस बस। चलो अच्छा बेबी को बार बार मन कर रहा करने का। चलिए स्टार्ट। तीन चार रह गया मेरा, तीन था ना, चार रह गया था। आपका भी चार बाकी है। ये देखिए 1 2 3 4। चलो अब आंटी की, आंटी का नंबर, मैन ऑफ द मैच आंटी रहेंगे। आंटी को मिलेगा वो मैन ऑफ द मैच। हाँ अच्छा चलो आंटी। अरे वाह ये यहाँ का नाम बुझ के हो जा रहा है। हाँ वही वही। चले जी बहुत मजा आया। आया मजा आया युक्ति, मजा आया। हाँ तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। बहुत ही मज़े का रहा जी ब्लो द कैंडल चैलेंज, और हम बच्चों के साथ साथ हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, हम तीनों भी। तो बड़ा मज़ा आया। आई होप आप लोग भी इन्जॉय करे होंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ एक लाइक किया करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय। टेक केयर।